जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी जातकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे अमावस्या दोष या योग के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये योग बनता कैसे है, इस योग के जातक पर क्या प्रभाव होंगे और इस योग के रेमेडीज़ अर्थात इस योग के क्या महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसे करने से आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर यह योग कुंडली में बनता कैसे है और ये योग या दोष आपको कब अपने दुष्परिणाम देगा, किन जातकों को इसके उपाय करवाने चाहिए या करने चाहिए और किन जातकों को इनके उपाय नहीं करने चाहिए। देखिए, जो जनरल टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है अर्थात कह लीजिए भ्रांति है कि यदि किसी भी जातक का जन्म अमावस्या को होता है तो अमावस्या दोष या योग की उत्पत्ति होती है, अर्थात वह जातक जो है अमावस्या दोष से पीड़ित होता है। ऐसे जातक जिनका जन्म अमावस्या को होता है उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। हम ये जानते हैं कि सूर्य अग्नि का प्रतीक है और चंद्र जल का, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात कुंडली में चंद्र का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा और चंद्र अपने जो प्रभाव कुंडली में देने हैं वो उसके लिए वह क्षीण हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है चंद्र। ऐसी अवस्था में चंद्र कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे जातक जिनका जन्म अमावस्या को होता है वो इस दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि अमावस्या को चंद्र की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे जातक के जीवन में चंद्र का प्रभाव बहुत कमज़ोर होता है और चंद्र हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारे मन का कारक है, हमारी खुशी को जो हम खुशी हम महसूस करते हैं उसका कारक है। तो जब चंद्र कमज़ोर होगा तो ये जातक के इन सब पहलुओं को कमज़ोर कर देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसे जातक के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो होगा, ऐसे जातक का मन अशांत रहेगा, ऐसे जातक का मन विचलित रहेगा, वो कभी भी फोकस्ड नहीं हो पाएगा अर्थात एक लक्ष्य नहीं साध पाएगा। ऐसा जातक कभी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाता, जब भी कोई खुशी का माहौल होगा तो किसी ना किसी कारण कुछ ना कुछ सोचकर उसको दुख की अनुभूति होगी, वह खुशी में भी थोड़ा गमहीन रहेगा। ऐसा जातक इमोशनली वीक होता है अर्थात वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है ऐसे लोग समाज में मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। देखिए, ऐसे जातक को यूरिन से रिलेटेड अर्थात आपको पेशाब से संबंधित बीमारी हो सकती है अथवा आपको किडनी से भी संबंधित बीमारी यहाँ बन सकती है। देखिए, आजकल ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है तो आपकी कुंडली में अमावस्या दोष बना हुआ है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है और यह धारणा बिल्कुल गलत है, परंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हज़ारों कुंडलियों पर शोध किया है और मेरे बहुत करीबी लोग अमावस्या को जन्मे भी हैं, और मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं आपको जो भी भ्रांति फैली हुई है उससे अवगत कराऊं, जिससे आप लोगों को कुछ लोग जो मूर्ख बना रहे हैं, जो इस दोष के कारण लूट रहे हैं, आप ऐसा कुछ ना करें। और आज ये सत्य भी है, बहुत सारे लोग इस दोष के उपाय के लिए आपसे 10,000 5,000 रुपये का आप ये करवा लीजिए, आप ऐसा उपाय करवा लीजिए, ये पैसा आपसे ले रहे होंगे। तो मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके साथ ये सब गलत परिणाम होंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो गया है, तो ये वैसा ही है जैसे बाकी ग्रह भी सूर्य के साथ जब बैठते हैं तो अस्त हो जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली में कब ये दोष आपको ना के बराबर परिणाम देगा, या हम कहें कि ये दोष कब आपकी कुंडली में भंग हो जाता है। देखिए, आपको अपनी कुंडली में देखना है कि यदि ये कंजंक्शन अथवा युति आपकी कुंडली में है तो आप देखिए कि सूर्य और चंद्र की डिग्री कितनी है, अर्थात यदि सूर्य की डिग्री 0 से 5 डिग्री है और चंद्र की डिग्री 25 से 30 डिग्री है तो आपको इस दोष के ना के बराबर परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कब ये सूर्य और चंद्र की युति कष्ट देगी। देखिए, जब भी आप चंद्र की महादशा से अथवा अंतरदशा से गुजरते हैं और यदि आपकी कुंडली में चंद्र और सूर्य की युति कुंडली के दूसरे भाव में, जैसा आप देख रहे हैं, अथवा तीसरे भाव में, अथवा चौथे भाव में, अथवा छठे भाव में, अथवा सप्तम भाव में, अथवा अष्टम भाव में, और यदि यह युति 12वें भाव में हो तो यह आपको कष्ट देगी। इसमें भी यदि मैं आपको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अर्थात और सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताऊं तो सबसे अधिक जो कष्ट होता है जहां पर ये सूर्य और चंद्र की युति, तो अष्टम और 12वें भाव में जातक को सबसे अधिक यहां पर वो कष्ट देती है। तब ये युति आपको कष्ट देगी, आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा आपने किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचना है और जो उपाय आपको चंद्र की महादशा और अंतरदशा में करने हैं वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। पहला उपाय आपने जो करना है, देखिए, आपको रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कीजिए। आपको रोज एटलीस्ट 30 मिनट तक मेडिटेशन करना है। इससे आपके मन में जो अशांति है, आपके आप जो विचलित रहते हैं, आपका मन अशांत रहता है, तो वो आपको अशांति आपको कम होती आपको दिखाई देगी और आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपको उत्पन्न होती दिखाई देगी। तीसरा उपाय जो आपने करना है, आपको हर सोमवार को किसी गरीब को दूध का दान करना है। चौथा उपाय, आपको हर महीने प्रदोष व्रत करना है जो हर महीने में 2 बार आता है। उस दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें और शिव मंदिर जाएं और वहां बैठकर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र की 7 माला का जाप आपने करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको, यदि अमावस्या योग से आप यदि पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में अमावस्या दोष है, तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। स्पेशली आपने चंद्र की महादशा और अंतरदशा में ये उपाय आपने ज़रूर करने हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो ज्ञान मैंने यहाँ पर शेयर किया है उससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा और जो भी भ्रांति आपको अमावस्या योग या दोष के कारण थी तो वो समाप्त हो गई होगी। तो हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि पाप कर्त्री दोष या योग क्या है और ये कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या अचूक उपाय होंगे जिनसे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये जानने के लिए आप इस सीरीज का मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।